आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बात करेंगे आपके साथ कि क्या होता है वीवीए। तो धीरेन्द्र जी, आप अपने रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, अल्ट प्लस आर प्रेस करके, अल्ट प्लस आर। तो सबसे पहले हमने आपको कल की क्लास में समझाया था कि वीवीए होता क्या है, उसे क्या क्या बनाते हैं। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन होता है, उससे हम माइक्रो बनाते हैं, हम फंक्शंस बनाते हैं, हम यहाँ पे यूजर फॉर्म बनाते हैं, राइट। ये तीन चीजें बनाते हैं। वीवीए यूज करने के लिए हमें डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब नहीं है तो आप फाइल के ऑप्शंस ला सकते हैं, यहाँ कस्टमाइज रिबन में होता है यहां से। उसके बाद आप, उससे पहले आपको अपना माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर माइक्रो आपका एक बार चलेगा, अगली बार 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 आपको अनेबल करने के लिए बोलेगा। फाइल को सेव करते समय आप ध्यान रखेंगे कि फाइल को XLSM में सेव करें, राइट। और हम कोडिंग कहाँ करते हैं, तो यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं। ये हमारा VBE है, विजुअल बेसिक फॉर एडिटर जो है हमारा, ये विजुअल VBE विजुअल बेसिक एडिटर है जहां पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास नेविगेशन होता है, मतलब की प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है, और ये आपका प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पे बताता है आपके कितने फाइल खुले हुआ है, ये फाइल का लिस्ट, और फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ शीट्स हैं, ये शीट्स के बारे में बताते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसका प्रॉपर्टी आप यहाँ नीचे आपको दिखाएगा। अब प्रोग्रामिंग कहाँ लिखेंगे, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करके मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये आपका प्रोग्राम एरिया है। लेकिन किसी सीट के ऊपर या वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक करके हम प्रोग्राम तो यहां पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में सेव होता है, अगर ये डिलीट हुआ तो डिलीट हो जाएगा। तो हमेशा हम मॉड्यूल्स में करते हैं, यहां मॉड्यूल्स, और यहां पे हम देते हैं अपना माइक्रो नेम। माइक्रो नेम के लिए आप सब या पब्लिक सब भी दे सकते हो। और माइक्रो का नाम लिखते समय, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट टूडे, इस तरह के स्पेस डैश डॉट कॉमा, किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं। साथ ही आप माइक्रो नेम को कभी भी नहीं दे सकते हैं 3 डिजिट में अल्फान्यूमेरिक, मतलब 3 करेक्टर करेक्टर एंड कोई अल्फाबेटिक साथ को नहीं दे सकते। जैसे राजवन एक गलत नाम है, कैसे, जब इसको आप रन करने के लिए जाएंगे तो रन करते समय आपसे पूछेगा तो रन ही नहीं होने देगा, क्योंकि राजवन नाम का ऑलरेडी रेफरेंस रखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा मेन चीज है। अब हम बात करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे कहां से। तो हम यहां पे देते हैं कि हम सबसे पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, कि कोई वर्ड लिखेंगे उसका पहला वर्ड क्या हो, तो ये एप्लीकेशन हो सकता है या वर्क बुक्स हो सकता है या शीट्स हो सकता है या रेंज हो सकता है। जैसे हम कोई इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हमारा जो नाउन से ही मोस्टली स्टार्ट होता है ना, नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो ये आप समझिए कि आपका वीवीए का नाउन या प्रोनाउन है। तो किससे स्टार्ट होगा डिपेंड करेगा आपके लाइन ऑफ कोड की, उस कोड से करना है क्या है। यहां तक समझ गए, बात करते हैं, चलिए हम बात करते हैं इस पे कि क्या करेंगे। तो हम चलिए सीट को एक्सप्लेन करते हैं कि सीट हमारा क्या है। जैसे मान लीजिए हमें नई सीट ऐड करनी है, जैसे कोई डेटा को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए हमें कोई नया सीट ऐड करना है, तो नई सीट ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे एक कोड लिखना होगा शीट्स डॉट ऐड। हमने शीट्स क्यों लिया, जैसे बताया था कि इन चारों में से हम कोई एक लेते हैं मोस्टली ऑब्जेक्ट हमारा, तो शीट इसलिए लिया क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो शीट को इफेक्ट करता है, तो शीट डॉट ऐड। अब इसमें क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेंबर हो गया, मतलब कि ये लोकेशन हो गया, और क्या करना है कि कहां पे क्या करना है, तो शीट्स को ऐड करना है। अब जो शीट ऐड हुई है उसको रिनेम भी तो करना है क्या सर, हिमांशु जी कल की टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया था ना। जी सर आगे था सर, और वीडियोस आपको मिले तो देख लिए थे ना। मेरे को एक नहीं चालू हुआ था सर, पहला वाला, पर बाकी हो गया, एक हो गया था, वो आधा हुआ था।
देख लिया ना आपने सर? हाँ जी सर, बाकी मैंने आपका पुराने वाले YouTube पे आके वीडियो देख लिए थे सर, उससे भी काफी हेल्प हो गई थी। ठीक है, तो सीट डॉट एड हो गया, तो नई सीट। अब जो नई सीट एड हुई है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस पे क्लिक करके एक नई सीट को एड कर, अब जो सीट एड हुई है उसका नाम मुझे डेटा देना है। अब यहाँ पे सीट को रिनेम, अब देखिए यहाँ पे आपको सिचुएशन, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते समय हम लोग अपना सिचुएशन का भी ध्यान रखते हैं, किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड को यूज किया जाएगा, कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग निकलेगा, उसी तरीके से यहाँ भी सिचुएशन देखना होता है। तो सीट का रिनेम करने का मेथड होता है कि सीट, और यहाँ पे सीट का नेम, सीट का नेम हो गया यहाँ पे सीट वन, अब नेम इक्वल टू मान लीजिए हमने दे दिया डेटा। अब यहां पे एक छोटी सी दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत क्या है कि हम तो सीट ऐड करेंगे तो हर समय सीट वन या सीट फाइव या सीट टेन तो नहीं ना होगा क्या सर? अदर सीट हो तो यहां पे आप, आपको डिफाइन करना होगा कि क्या है सिचुएशन। सिचुएशन है जब सीट ऐड होती है तो वही सीट हमारा एक्टिवेट होता है, तो यहां पे हम एक्टिव सीट डॉट नेम कर देंगे और इक्वल टू डेटा। ये दो कोड आपको लिखना है। अब आपको ये पता है कि हमारा जो सीट है हमें ऐड करके रिनेम करना है ना, मतलब कि मुझे डेटा नाम का सीट ऐड ही करना है, फिक्स है, तो हम इतना झमेले में पड़ेंगे क्यों? हम डायरेक्ट यहां पे सीट को ऐड करेंगे, सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा। डेटा नाम का सीट ऑलरेडी ऐड ही होगा इसमें सर। आप सीट का नाम, मतलब सीट वर्कशीट का नाम ऐड कर रहे हो, अगर कोई फाइल का नाम होगा फाइल का नाम नहीं ऐड होगा? फाइल के लिए तो आप वर्कबुक पे जाएंगे ना। अच्छा, फाइल के लिए हमें वर्कबुक पे जाएंगे, अभी हम सीट पे बात कर रहे हैं। ठीक है सर, आपको फाइल ऐड करना है। देखिए अगर आप फाइल ऐड करना है तो जी, के लिए आपको कोड क्या होगा कि वर्क बुक बुक्स डॉट ऐड, एक नई फाइल ऐड हो जाएगी। ओके, फाइल सेव करना है तो फाइल सेव करने का कोड होता है कि वर्क बुक्स, अब यहां पे हम देंगे बुक वन डॉट xlsm जो भी है डॉट सेव एज, और यहां पे अपना हम देंगे कि भाई मुझे 2019 डी फोल्डर में 2020 के अंदर 123 डॉट xlsx करना, जो कल बताया था आपको मैंने। ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि जो वर्कबुक ऐड हुई है वो हमेशा बुक वन ऐड नहीं होगी, जैसे कि यहाँ हमेशा सीट वन ऐड नहीं होगा, सीट टू सीट थ्री सीट फाइव भी ऐड होता है ना, जब कंट्रोल एन करते हैं तो। अब जब कंट्रोल एन हुआ तो यहाँ देखा कौन सा बुक थ्री ऐड हुआ, तो ये फाइनल नहीं है ना सर। तो उस केसेस में हम यहाँ पे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्टिव सीट दिया है ऐसे यहाँ पे देंगे एक्टिव वर्कबुक, और ध्यान रखिएगा कि फाइल नेम नहीं होता है, फाइल सेव एज होता है। एक चीज और पूछनी थी, अगर मैं कोई फाइल इसके बीबीए के थ्रू ही सेव कर रहा हूं तो अगर उसमें तीन वर्कशीट होंगी तो तीनों की तीनों सेव नहीं होंगी क्या एक जैसी? फाइल के अंदर जो भी है तो पूरा सेव होगा ना, चाहे बीबीए सेव होगा लेकिन वो सारा सारा वो फिर उसी में, अगर मैं वर्कबुक में आके सेव करूंगा तो क्या वो तीनों वर्कशीट सेव होंगी फिर? अगर मैं एक फाइल के अंदर, सुनिए, एक देखिए फाइल है बुक वन क्या है हमारा फाइल है। हाँ जी सर, फाइल, इस फाइल के अंदर हमारे पास पांच छह सीटें हैं, अब मैं बीबीए के थ्रू सेव करूं या नॉर्मल सेव करूं इसकी पूरी सेव होगा। ठीक है सर, ठीक है ना, फाइल कोई पर्टिकुलर पार्ट सेव होगा पर्टिकुलर पार्ट सेव नहीं होगा ऐसा नहीं है, ताला लगेगी तो पूरी घर में लगेगी। ठीक है सर, समझे? बिल्कुल सर, थैंक यू। अब यहां पे आता है, अब मुझे अगर पता है कि वर्कबुक ऐड ही ऐड करते हुए सेव एज करना है मुझे एक, मतलब कि एक मुझे 123 नाम का फाइल बनाना ही है, ये फिक्स है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे डॉट सेव एज,
यहां पे अपना पांच, समझे? जी सर। बोलेंगे कि मेरा जो फाइल जैसे कैश है, कैश वन हो जाए या कैश टू हो जाए, तो ये आपको फोल्डर का पार्ट होता है, एक्सेल का पार्ट नहीं होता है सर। हालांकि हमें फंक्शन चलाना पड़ता है तो उसमें फंक्शन यूज करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। ये धीरेंद्र जी, धीरेंद्र जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, लगभग आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। ये हमारा workbook.add.save है जो आपके सामने यहां दिख गया। अब आगे बढ़ते हैं शीट के। अब मान लीजिए मुझे सीट तो ऐड करना है लेकिन सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी जो से मैंने ये कर्सर यहां ऐड हुआ तो जो एक्टिव है उससे पहले ऐड हो जाता है, उसके बाद ऐड होता है। तो मैं चाह यहां पे जब सीट ऐड का कोड डालूंगा सीट्स डॉट ऐड, तो यहां पे देखिए नीचे एक्सप्रेशन आता है आफ्टर या बिफोर। अगर मुझे किसी सीट से पहले डालना है, जब मुझे सीट टू से पहले डालना है, तो यहां पे हम सीट शीट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में सीट का नाम, सीट टू या डेटा जो भी है वो डाल देंगे, तो उस सीट से पहले होगा। मुझे दो के बाद करना है, सीट टू के बाद करना है, तो यहाँ पे हम एक और कॉमा देंगे, तो मेरा बिफोर जो है स्किप हो जाएगा और यहाँ आफ्टर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा आफ्टर आ गया, तो मैं जो सीट एड हुआ वो यहाँ पे दिख गया सबसे लास्ट यहाँ पे सीट टू के बाद। लेकिन फिर भी अभी भी हमारा वर्क नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐड करना है सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में तो सीट सिक्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर मैं सीट सिक्स कर दूं तो जरूरी थोड़ी कि सबसे लास्ट में सीट सिक्स ही हो, अगर किसी ने मूव करके यहाँ फर्स्ट में रख दिया तो। तो अगर आपका पोजिशन यहाँ पे आप सीट का रेफरेंस जो है सीट के नंबर से भी दे सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे हमने बोला 6। अभी जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शीट कौन सा शीट लास्ट में है, सीधे काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके बाद सीट को ऐड कर देगा। अब यहां पे एक और दिक्कत आ जाती है कि अभी तो चलो सीट 6 है, अगर 5 हुआ तो, 10 हुआ तो, या कम या ज्यादा हुआ तब क्या होगा? तो उसमें हम क्या करेंगे, यहां पे सीट सिक्स के जगह पे एक फॉर्मूला दे देंगे सीट्स डॉट काउंट। तो ये क्या करेगा कि ये आपका पूरा का पूरा सीट का काउंट करेगा, हमेशा अपडेटेड यहां पे देगा, हर बार सीट सबसे लास्ट में ऐड हो, लेकिन वन टाइम में एक कोड से एक ही सीट ऐड हो। देखिए मुझे 5 चाहिए या 10 चाहिए तो आप स्पेस कीजिए, यहां पे देखिए काउंट होगा, काउंट में मैंने 5 कर दिया, तो अब मैं अगर इस कोड को रन करवाऊंगा अलग मैक्रो में तो 5 सीट रन होगा। अभी देखिए मैं आपको जस्ट कोड एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको मैं रन करके नहीं दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा जब इससे रिलेटेड हम प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे कल हमने 5 से रिलेटेड प्रोजेक्ट किया था तो वहां हमने करके दिखाया था ना, रन किया था, बट यहां पे हम आपको अभी रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोड एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीट को हमने ऐड कर दिया, अब मुझे सीट को डिलीट करना, मैं मान लीजिए सीट 6 को मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो इसको लिखने के कई तरीके हैं। जैसे किसी भी सीट पे सीट का जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखने का 3-4 तरीका है, देख लीजिए। सबसे पहला आपका है कि सीट, देखिए सीट पे जो भी होता है उसे दो प्रॉपर्टी नेम होता है, दो नेम होता है, इसका प्रॉपर्टी नेम और इसका कैप्शन नेम। जो ब्रैकेट में है वो कैप्शन नेम होता है, मतलब यहां यहां जो शो होता है कैप्शन नेम। जैसे मान लीजिए यहां पे जैन कर दिया तो अब ये जैन के नाम से जाना जा रहा है, तो यहां पे देखिए जैन हो गया। तो इसको कॉल करने का दो तरीका हो, तीन तरीके हो गया। पहला
सीट वन डॉट एक्टिवेट कर दिया, मतलब कि मैं कहीं भी रहूंगा तो मैं इस सीट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहां आता है सीट शीट्स, यहां पे हम दे सकते हैं कि जैन जैन डॉट एक्टिवेट या सिलेक्ट हम कर सकते हैं। तो जैन इस नेम से चलेगा। और तीसरा होता है, होता है पोजीशन कि सीट, यहां पे सीट्स वन डॉट सिलेक्ट, मतलब कि पोजीशन नंबर वन, जैसे कि मैंने यहां पे दिया हुआ था ना अभी सिक्स। तो शीट को कॉल करने का ये तीन तरीके होते हैं। सर ये शीट को हम कोमा मतलब ब्रैकेट्स में क्यों लिखते हैं? कौन सा शीट? जैसे आपने आपने जैन जो शीट लिखा उसे ब्रैकेट्स में लिखा ना? मैं बताता हूँ, सुनिए। कोई भी कोड लिखने का जो है तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसी को देख लीजिए, ये आपका, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। हाँ जी ऑब्जेक्ट, हाँ जी। उसके बाद ये आता है आपका ऑब्जेक्ट डिटेल कि ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट। ओके समझ गया सर। ठीक है, ठीक है सर। और यहां पर होता है मेंबर और यहां आता है मेंबर डिटेल्स। जो ऑब्जेक्ट की डिटेल होती है हमेशा ब्रैकेट के अंदर में होती है। और इन्वर्टेड कॉमा हम कब लगाते हैं? जब हम किसी चीज का नाम यूज करते हैं। ओके ठीक है सर। देखिए यहाँ पे हमारा शीट्स है, तो शीट्स का कौन सा शीट, अगर हमने बोला कि शीट्स, सर समझ जाएगा वो शीट से रिलेटेड बात है, कौन सी शीट तो जाए। अच्छा वो जैन वो वर्कशीट हो गई, समझ गया सर। और ये शीट की पहली शीट हो गई, ठीक है सर। हाँ, और सीट वन हो गया सीट वन, तो सीट वन ऑलरेडी सिस्टम में रिजर्व किया हुआ है, ठीक है सर। नेम देखिए तो सिंपल समझ जाएगा। और यहाँ हुआ सीट्स, तो सीट्स में यहाँ पे पूछता है नेम या नंबर। अब आपने बोला नेम, बोला जैन, तो जैन समझ देगा, जैन ढूंढेगा कि इसमें जैन कहाँ है आपके नेम में। अगर हमने बोल दिया, सिर्फ बोल दिया वन, तो वो पोजीशन काउंट करेगा, मैंने टू कर दिया तो वन एंड टू, टू पोजीशन काउंट करके जाएगा, ठीक है। अच्छा सर एक छोटी सी चीज और थी, अगर मैं ये जैन शीट यहीं से एक्सेल से आके से डिलीट कर दूं तो ये क्या ऑटोमेटिक वहां से? नहीं, यही मैं समझाने वाला हूँ कि तीनों कोड में से कौन सा कोड पहले लेंगे। देखिए अगर आपका सीट बार बार रिनेम होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी जैन का जैन है, तो कल के अगले मैंने इसको फैब कर दिया, तो फिर मुझे कोड में जाके यहाँ फैब करना पड़ेगा। ओके ठीक है सर। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब कि इस कोड को अब यूज नहीं कर सकता मैं, बट रिनेम होने पे ये हमारा प्रॉपर्टी नेम रिनेम नहीं होता। बाहर से प्रॉपर्टी नेम कोई रिनेम नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी नेम को प्रोग्रामर ही रिनेम कर सकता है इस पे क्लिक करके यहां से, समझे? ठीक है सर। तो उस केस में जब आपके सीट बार बार रिनेम हो रही हो तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करें, ऊपर वाले मेथड का। लेकिन क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम सीट को डिलीट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, डेटा होता है, जैसे डेटा शीट, राइट। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, नई सीट को ऐड किया और फिर इसका नाम डेटा रख दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे डिलीट हुआ इसका प्रॉपर्टी नेम हट गया, देखिए 7-8 आ गया ना हमें। अच्छा ठीक है सर। तो उस केस में हम इसको लेंगे, जब नाम हमारा फिक्स है तो इसको लेंगे, जब हमारे पास नाम फिक्स नहीं है, सीट फिक्स है, तो इसको लेंगे। अब यहाँ पे ना नाम पता है ना सीट पता है, तो यहाँ हम नंबर से चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक फोल्डर में एक फाइल पड़ी है, उसके अंदर सारे सीट्स का डेटा उठाना है। अब हमें पता नहीं कि उसके सीट्स का नाम क्या है, उसके सीट का प्रॉपर्टी नेम क्या है, तो हम सीट डॉट काउंट से हम काउंट उठा लेंगे और फिर वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, उस सीट को कॉल कर लेंगे, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। और एक्टिव सीट तो पता ही आपको कि जो जो सीट एक्टिवेट है वहां इस्तेमाल करते हैं।
अब बात करते हैं, आगे चलते हैं कि सीट को अगर डिलीट करना होगा तो क्या क्या कोड होगा। तो उसका कोड होगा, मैं प्रॉपर्टी नेम ले लेता हूं सीट, यहां पे सीट वन डॉट डिलीट। देखिए जब भी आप सीट डिलीट करेंगे तो एक छोटी सी दिक्कत होगी कि आपसे पूछे ए दीवान टू डिलीट, इससे क्या होगा कि उससे नीचे के सारे कोड जो है वो आपको ब्लॉक हो जाए। तो यहां पे जब भी सीट डिलीट करने का कोड अप्लाई करें, इसके ऊपर आप लगाएं एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले इक्वल टू फॉल्स, इससे क्या होगा कि यहां पे एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग कर देगा इस माइक्रो के लिए कि किस अलर्ट जो है वो नाजिक है, सीट हमारा डिलीट हो जाएगा। अब इसमें बात आती है, हमने सीट डिलीट कर लिया, अब मान लीजिए सीट को मूव करना है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे डेटा है और मुझे इसको किसी अलग फाइल में डाल के किसी को मेल करना है। जैसे कि आपकी बात हुई ना कि मुझे पूरी की पूरी फाइल को मेल नहीं करना है, मेरे फाइल में और भी बहुत सारे डेटा है, मुझे सिर्फ इस डेटा वाले शीट को मूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, हम करेंगे शीट्स और यहां पे लिखेंगे डेटा और जस्ट लिख देंगे मूव। अबे क्या होगा, बस इतना ही करना है। ये क्या करेगा कि आपके एक्सेल फाइल में जाएगा, राइट क्लिक करेगा सीट पे, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी और यहां से न्यू बुक एंड ओके, एक नई फाइल में आ गया। अब इस नई फाइल को सेव करना है तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जब मूव होता है वही एक्टिवेट होता है, तो मैं यहां पे इसको ले लूंगा कॉपी एंड पेस्ट, और फिर उसको बाद में मुझे मान लीजिए इसको क्लोज भी करना है तो वही एक्टिवेट है हमारा, तो यही पिन कर देंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज और यहां पे ट्रू। अब ट्रू क्यों करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अगर सेव नहीं होगा फाइल आपका, क्लोज करते समय आपसे पूछेगा डू वांट टू सेव, सेव पे क्लिक करना है तो ट्रू और सेव पे क्लिक नहीं करना है तो फॉल्स। ठीक है, समझे? अब आपको मूव नहीं करना है, कॉपी करना है, तो यहीं पे आप कॉपी कर दीजिए, आपके सीट को कॉपी कर देगा। ठीक है, क्लियर है मानसू जी? ठीक है सर, क्लियर है। तो इसमें हम सीट को कॉपी या मूव करने का काम करते हैं। उसके बाद सीट में पासवर्ड डालना है, तो सीट जो भी सीट का, अब कॉलिंग मेथड में तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, मैं कुछ भी ले लेता हूं, उसका मतलब नहीं कि आप भी कुछ भी ले लीजिएगा, वो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट और यहां हमने पासवर्ड डाल दिया, तो सीट के ऊपर पासवर्ड लग गई, वापस पासवर्ड हटाना है तो सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट और पासवर्ड डाल दीजिए, आपका सीट का पासवर्ड हट जाए। और सीट को हाइड करनी है आपको, सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू सीट हिडन या वेरी हिडन, हिडन करते हैं तो नॉर्मल यूजर जो है जो यूज कर रहा है फाइल को वो यहां से अनहाइड कर सकता है, राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपने वेरी हिडन कर दिया तो फिर प्रोग्रामर ही कोड से इसको हटा सकता है। कैसे हटेगा, तो कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू सीट विजुअल। तो सीट के ऊपर यही काम करते हैं, सीट को हम एक्टिवेट करते हैं कि एक सीट से दूसरे सीट पे जाते हैं, सीट को ऐड करते हैं, उसको रिनेम करते हैं, फिर हम
उसको क्या बोलते हैं डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं और उसको हाइड अनहाइड करते हैं। इतना ही करते हैं ना सीट में जनरली हम, ठीक है। हेलो मानु जी, ठीक है सर, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, राइट सर। आज की वीडियो आपके स्टोर हो गया सिस्टम में, कल हम इसी के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय।